अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुकेरा दोस्तों, मेरा नाम है सुकेरा। मैं आज आपको बताऊंगा कि पिक्स आर्ट के जरिए कार्ड फोटो ड्रिंक कैसे बनाते हैं। ये स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की मैं वीडियो लाता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपका जल्द अज जल्द पहुंच सके। चलो हम इसको फोटो को ऐड कर लेते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। ये देखें, मैंने पिक्चर को ऐड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, ड्रॉ के जाने के बाद हम यहाँ इस आइकन पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम एक पटी लेयर बना लेते हैं। इस पे सेलेक्ट करने के बाद इसी एम्प्टी लेयर पे सेलेक्ट रहने दें और इस यहाँ पे वापस आ जाएं। वापस आ जाने के बाद हम यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज आपने गाइस 9x10 पे रख लेना है। ओपेसिटी को फुल कर सेट कर दें और ये देखिए हम जल्दी जल्दी लाइन लगा लेते हैं। गाइस आपने अच्छी तरह लगानी है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, बस आपने अच्छी तरह लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह आपने जल्दी लगा लेना है। इसको थोड़ा हम जूम करके इसको यहाँ लगा लेते हैं। ये देखें, यहाँ भी आपने लगा लेना और उसके बाद यहाँ भी अप्लाई कर दे इसी तरह। और उसके बाद हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। आपने अच्छी तरह आपकी मुझे हैं तो आप यहाँ भी अप्लाई करके अच्छी तरह बना लें। और मैं इसको बाद में कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे इसको इस तरह अच्छी तरह आपने कर लेना है। ये देखिए इस तरह करने के बाद आपको आपने यहाँ भी अप्लाई कर दें। यहाँ भी अप्लाई कर दें और यहाँ भी अप्लाई कर दें। यहाँ भी अप्लाई कर दें और उसके बाद हम यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मर्ज करके इसको यहाँ अच्छी तरह से आपने लगा लेंगे। उसके बाद ये हो गया, साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसी तरह आपने लगाना, आपने सही तरह लगाना। वीडियो बड़ी हो जाती है फिर कोई देखता नहीं है। मैं यहाँ पे यहाँ ये देख के उसके बाद साइज को हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखें, उसके बाद आप इस डब्बे वाले आइकन पे क्लिक करके इस पर सर्कल सेलेक्ट करके फिल कर दें। फिल करने के बाद ओपेसिटी 100 कर दें, ओके कर दें। उसके बाद ये देखें इस तरह आपने टाइप करना है।
उसके बाद इस तरह आपने टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ भी इसी तरह टाइप कर दे, अच्छी तरह एडजस्ट कर ले। उसके बाद यहाँ भी जहाँ जहाँ आपने लगाने वहाँ पे इसी तरह टाइप करके लगा ले। ये देखें लग गए हैं। उसके बाद हम यहाँ साइज को थोड़ा सा छोटे साइज, उसके बाद यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं, आपने भी इसी तरह लगा लेना। उसके बाद ये देखें इस तरह आपने कहीं भी लाइन लगा सकते हैं। ये देखें ये देखें ये आपका काम हो गया। उसके बाद हम जाते हैं इसी लेयर पे, जाने के बाद इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके मैंने उसके के अब हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें उसके बाद हम साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। आपने अच्छी तरह से एडिटिंग करनी है, वीडियो बढ़िया हो जाती, फिर इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जल्दी जल्दी अच्छी तरह से नहीं कर रहा हूँ। ये देखें ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करके ही ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रो एक स्टेप हमारा रह गया, हम इसी लेयर पे क्लिक करने के बाद उसी वापस इसी लेयर पे जाने के बाद यहाँ भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह सेलेक्ट कर ले। इधर लगाने के बाद फिर इसी लेयर पे सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर ले और साइज को अपने मुताबिक रख दें। और यहाँ भी जल्दी जल्दी अप्लाई कर देते हैं कि आपने भी इसी तरह अप्लाई कर देना है। आपने चेहरे वाला चेहरे पे और सही से अप्लाई करना। यहाँ पे हम यहाँ से रेज कर लेते हैं होटल पे। भाई हम यहाँ से छोड़ देते हैं। ये देखें आपने इसी तरह कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आंखों वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है व्हाइट। और हम यहाँ पे इस तरह यहाँ से फेस करके यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेती है। और यहाँ पे इस तरह कर थोड़ा इसको हम थोड़ा सा मैच कर लेते हैं साइज को। और यहाँ पे आपने देख लेना है इस
इस तरह आपने इससे कर देना है और इस सांग पर भी आपने इसी तरह कर देना है। कर लेते हैं, ये देखें। उसके बाद हम इसी तरह चेहरे पे भी कर लेना। उसके बाद हम जाएंगे अब नेक्स्ट टूल की तरफ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आप इससे वापस आ जाए और यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लें। ये वाला मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सारे काम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह आपने अप्लाई कर देना है सारे को। इसी तरह ये देखें हम अप्लाई कर देते हैं। इस तरह अच्छी तरह से आपने अप्लाई कर देना और उसके बाद हम नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने एम्प्टी लेयर बना लेनी है। बनाने के बाद उसको हम पिक्चर के बैक साइड पे लेके आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वापस आने के बाद यहाँ कलर पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये वाला कलर देते हैं। गाइस हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। ये थोड़ा सा काम मुश्किल से करता है। आपने इसे पिक्चर के नीचे लेके आ जाना है। उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कलर सेलेक्ट कर लें भी आप कलर रखना चाहते हो। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। उसके बाद ये देखिए आपको इसको पिक्चर के ऊपर और जो आपने कपड़ों पर ये ऊपर कार्टून एडिटिंग किया है इसके नीचे रख देना है। उसके बाद यहाँ वापस आ जाना है। ये देखें ये पीछे मल्टीप्लाई हो गया बैकग्राउंड में। आप कह रहे होंगे कि ये पिक्चर थोड़ी सी ख़राब हो गई। इस पे आप कपड़ों के कलर पे आप अच्छी तरह अप्लाई करेंगे और अपने चेहरे पर और बालों पर अच्छी तरह अप्लाई करोगे तो ये पिक्चर खूबसूरत बन जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइट एडिटिंग डायल करते हैं। इसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर बना लेनी होगी। एम्प्टी लेयर बना के इसको गाइस हम यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाइट वाइट को करने के बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तीन लाइनें मिल रही होंगी ऊपर। इस हार्डनेस को
मैश कर दें, उसके बाद सेट कर दें। उसके बाद हम यहाँ पे एक इस तरह लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद आपको फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद इस पर ट्रांसफॉर्म कर देना होगा। ट्रांसफॉर्म कर दें, उसके बाद इसको हम ऐसे करते हैं। ये देखें मैंने जैसे लाइट दी हुई थी, आपने भी इसी तरह लाइट दे लेनी है। ये देखें, ये भी पीछे आ रही है। आपने ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करके चेहरे और कपड़ों पर और बालों पर ये अच्छी तरह लगेगा, इस तरह कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ पे इस तरह करने पर ये देखें, इस तरह आपकी पिक्चर अच्छी तरह से एडिटिंग हो जाएगी। गाइज, आप कहते होंगे कि मैंने पिक्चर अच्छी तरह नहीं बनाई, लेकिन इस तरह वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि वीडियो बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने शॉर्टकट जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए बस ऐसे ही बना दी। ये देखिए, इसी तरह आपने भी बना लेनी है। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बता दें कि वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।